भरत के साथ जो घटना हुई आपको पता है? कैकेयी ने मना किया, भरत जी ने त्याग कर दिया और माँ वो मैं कुछ नहीं जानता, किसी माँ को नहीं जानता, मेरे माता पिता भाई बंधु सब मेरे राम हैं। लेकिन जब राम वापस आए हैं तो पहले प्रणाम किसको किया? कैकेयी को। किस किस लिए? कोई राजनीति है, कोई पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है कि हम बड़े कहलाएंगे कि देखो जिसने कष्ट दिया उसको राम जी प्रणाम करते हैं? इनको नाम की दरकार है, राम को नाम की दरकार है कि उनका नाम ज्यादा पड़ जाए? किस लिए? कान में जाके कैकेयी को एक ही बात कहा, राम जी ने, कि ने परमात्मा के लिए मां को ठुकरा देने वाला बेटा भी मेरे इस मां के गर्भ से जन्म लिया है, कैसी मां है, प्रणाम के योग्य है मां को। रीजन दिया है, तुम्हारे गर्भ से ऐसा बेटा जन्म लिया, एक तरफ तुम खड़ी थी, एक तरफ परमात्मा खड़ा था। जब मैं परमात्मा कहता हूं उस समय ये समझ लो, भगवान जब अपने अवतार के काल में है तब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, जैसे अर्जुन के पास ऑप्शन है कि अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान ही तुम्हारे सद्गुरु हो सकते हैं। भगवान जब अवतार में है तो उस समय जैसे लक्ष्मण ने कह दिया मैं किसी गुरु को नहीं जानता, माता पिता को नहीं जानता, मेरे लिए सब मेरे राम, तो क्या कहोगे गुरु विरोधी हैं? नहीं, उन्होंने कहा जिंदा मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा है। मैं भी कहता हूं किसी दिन ठाकुर तुम्हारे द्वार आ जाए ना तो स्वीकार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कह देना तुम मेरे गुरु हो। अब यद्यपि जो सहजो होगा वो तो वहां भी थोड़ा उसको तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो गोविंद ही का मुंह फूल जाएगा। सहजो अगर कोई हो तो बात बन जाएगी, लेकिन पहले तो यही कठिन है। ये तो इमेजिनरी क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास धनुष मान लेके राम आ जाए, आ जाए तो स्वीकार कर लेना, क्या दिक्कत है। और नहीं तो फिर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की नगरी में बैठे हो, भगवान शंकर जो गुरु गीता कह रहे हैं पार्वती से, अत्यंत गुहितम विषय, फिर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, न गुरोरधिकम तत्त्वम न गुरोरधिकम तपः, तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, उन्होंने तो भेदभाव नहीं किया, तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अनपढ़ों की तरह मत जियो, गंवारों की तरह मत जियो। गंवार उसी को कहते हैं जिसने सब गंवा दिया, गंवार से लोग घबरा जाते हैं, हम तो हैं गंवार लगत है। गंवार मतलब जो अपनी जिंदगी गंवा रहा है दुख में, गंवार, ज्ञान के अभाव में जो जिंदगी को गंवा रहा है उसको गंवार कहते हैं। और गंवार किसको कहते हैं? नालायक। हे गुरु जी व्यासपीठ से गाली दे रहे हैं, नालायक अर्थ होता है जो लायक नहीं है, नालायक, ये कोई गाली है। आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस के क्लास में जाकर के उसका एग्जाम दे, वो बैठने के लिए लायक नहीं है तो उसको बोला जाएगा नालायक हैं आप, क्योंकि आप आर्ट्स के हैं। इंजीनियर जाके किसी का इलाज करने लगे तो कहेंगे नालायक हैं आप, इसके इसके लायक आप नहीं हैं, नॉट एलिजिबल। नालायक कोई गाली थोड़ी, क्या नालायक, नालायक हम उसके लायक नहीं है। अरे कोई किसी को नालायक कह दे गोली चल जाएगी, नालायक हम नालायक है, क्योंकि आदमी तो मानता है कि वो हर जगह लायक है, बंदा बहादुर है हर जगह, प्रत्येक जगह, और इतना बहादुर है कि तीसरे क्लास में, फिर मैं कह देता हूं अंतिम में कि तीसरे क्लास में मनोविज्ञान के डॉक्टर की जरूरत पड़ जा रही है हमारे स्कूल में। बताओ पंकज जी, बताओ बरीड जी, मैं आप सबसे काशीवासियों से भी पूछता हूं, जिस देश में अपनी सारी राज सत्ता छिन जाने के बाद भी, मिट्टी के बर्तनों में और घास की रोटियां खाने के बाद भी अपने घोड़े पे चढ़ के मूछ ऐंठता हुआ राणा प्रताप जैसा व्यक्ति हो, वहां के लोग कभी डिप्रेशन में आ सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं? बताओ जिस देश में 175 सैनिकों को लेकर के पूरे भारत में घुमा घुमा के परेशान करके छका छका के और अंत में बीजापुर में कैद करा करके उस मुगल को मृत्यु देने वाले शिवाजी के वंशज कभी डिप्रेशन में आ सकते हैं? बताओ 26 साल की उम्र में अपने पीछे 6 महीने के बेटे को बांधकर, संतान को बांधकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर और मुख में घोड़े के लगाम को पकड़ के युद्ध करती हुई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी बहन बेटियां भारत देश की क्या कभी तनाव में रह सकती हैं? क्या उनके जीवन में डिप्रेशन आ सकता है?
कौन सा बुरा परिस्थिति तुम्हारी जिंदगी में आ गया है कि तुम डिप्रेशन में आ गई हो? कौन सा बुरा परिस्थिति बताओ? हम उस देश के लोग हैं, तनाव हमारे देश के लिए नहीं बना है, डिप्रेशन हमारे देश के लिए नहीं बना है। जिनकी संस्कृति पैसों पर टिकी है, जिनकी संस्कृति मनी एंड सेक्स के ऊपर टिकी हुई है, जिनकी संस्कृति अर्थ और काम के ऊपर टिकी हुई है, धर्म और मोक्ष से जिनको कोई मतलब नहीं है, हम चतुर्विध पुरुषार्थ मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पश्चिम के देशों में अब तो स्वीकार कर रहे हैं, वहां केवल अर्थ और काम की नदी बहती है, अर्थ और काम की नदी बहती है, पर हम धर्म और मोक्ष को भी अपनाने वाले लोग हैं। धर्म और मोक्ष के किनारों में अर्थ और काम की नदी बह रही है। हाँ, राजा दशरथ के भी चार पुत्र हो रहे हैं, गृहस्थी का आनंद ले रहे हैं, एक थाली में खिला रहे हैं, राम जी दौड़ के भाग रहे हैं, कौशल्या पकड़ने जा रही है, मां यशोदा भी अपने पुत्र का आनंद ले रही है, गृहस्थी ही है पर परमात्मा उनके यहां बाध्य है जन्म लेने को। आनंद कंद भगवान परमानंद सच्चिदानंद बाध्य है उनके घर जन्म लेने को। तुम्हारे घर निर्भया का इज्जत लूटने वाला जन्म लेने के लिए क्यों तैयार बैठा हुआ है? अपने आसपास में पड़ोसियों को छेड़ने वाला क्यों पैदा लिया है तुम्हारे घरों में? तुम्हारे अपने घरों में उपद्रव करने वाला क्यों पैदा लिया है तुम्हारे घरों में? तुम्हारी जिंदगी को दुभर बनाने वाला जिस बेटे और बेटी से तुम कहते हो मैं परेशान हो गया हूं, क्यों पैदा ले लिया तुम्हारे घरों में? कैसे ले लिया? कहां से आ गया? क्यों नहीं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुम्हारे घर में आते? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष को तुमने त्यागा है। भारत पश्चिम से प्रभावित होकर धर्म और मोक्ष का परित्याग करके अपने नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों को हमने केवल अर्थ और काम की विद्या दिया, केवल अर्थ की विद्या दी है। बस मेरा बड़ा हो कि क्या बनेगा? लल्ला, खूब बड़ा डॉक्टर, खूब बिल्डिंग बनाएगा, 20 कार खरीदेगा, संस्कार नहीं खरीदेगा, संस्कार नहीं लेगा, कार खरीदेगा मेरा बापू मेरा पप्पू। और उसके बाद हो गई पप्पू की 22 साल में शादी, पप्पू की आई कप्पी, अब कप्पी ने किया ऐसा कमाल कि फ्लैट में रहने लगे। अब यहां बूढ़ी माता घूम घूम के खोल ये चुड़ैलवा हमारी जिंदगी बर्बाद कह दी कि जैब से चुड़ैल आल हो हमारे बेटौआ का ले गए है। जिंदगी तुम्हारी है, ये जिंदगी है तुम्हारी है, बताओ ये तो दमाद ऐसा मिलल हो कि समझा कुछ काम बनत हो, तो दमाद वैसे ही है। दमाद सोच रहा है बेटे से ऐसा चल रहा है, यही मौका है पूरा लिख दे बुढ़िया तो हमारा हो जाएगा। तो तुम्हारे से जन्म लेने वाला तुम्हारा नहीं हुआ, दमाद अपना हो गया, दमाद जो हमेशा दमा देने के लिए तैयार है, सारे दमाद हमारे विरोधी ना हो जाए, दमाद दमा दे दे, अच्छे खासे सांस ले रहे प्राणायाम कर रहे आदमी को भी दमा करा दे, दमा दो दमाद हमारे बड़े मानत हो दमाद हम कह बेटौआ हो हमार, बस सिग्नेचर करके देखा एक बार कितना बेटौआ, अपना बेटा बेटा नहीं हुआ, अपनी बेटी बेटी नहीं हुई, अपना संतान संतान नहीं हुआ, चले दुनिया में संतान बनाने, दुनिया में लोगों को लेने बनाने चले। ये वासना न जाने, ये आकांक्षा न जाने तुम्हें कहां कहां भिखारी बना के दौड़ाती है। इसलिए कबीर साहब से कोई पूछता है कौन है, बोला कबीर कुत्ता मैं राम का है, कोई माई का लाल, कबीर जैसा विद्वान, कबीर जैसे श्रेष्ठ, कबीर को स्वयं लोग कबीर पंथी परमात्मा बोलते हैं कि आप कबीर जी ही परमात्मा है। कबीर इतने बड़े भारतीय दर्शन के मनीषा के मनीषी क्या कह रहे हैं, कबीर कुत्ता मैं राम का, कौन है इसमें बोलने वाला, कौन? हमारे गुरुदेव बोला करते ईश्वरेर कुकुर तुमी, ईश्वर के गुरु के कुत्ते हो तुम कुकुर, निष्ठा सिकल गोला पोरा, निष्ठा की सिकल चेन तुम्हारे गले में लगी है पट्टी निष्ठा, डाकले तुम्ही काछे ऐसो ना होले दूरे पलाए, इतनी दूर पर रहो कि जहां से तुमको गुरु भी देख सके
और तुम भी गुरु को देख सको। छाती पे मत चढ़ जाओ। अभी तो आज तो एक माता ने कमाल कर ही दिया था, आते आते कौन मैया है, अब मैं आ रहा था मस्ती से, अचानक झुकी, हम तो अपनी मस्ती से पकड़ा पांव, वो हम तो गिर गए थे, मुंह के बल से बच गए। बारे प्रणाम तेरा माई, ऐसा प्रणाम होगा तो दोबारा ये संस्कार पर दिखने लायक मुंह नहीं रहेगा मेरा, थोबड़े खराब हो जाएंगे मेरे। कमाल, ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी प्रणाम करने की क्या जद्दोजहद है। प्रणाम तो बस भूमि का, जब संत गुरु ऋषि अग्रज गुरुजन निकल जाएं, तो जो रज पड़ा हुआ है उनके चरणों का, उसे उठाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं। बिना महत पाद रजोभिषेकम, जड़ भरत जी यही कहते हैं कि उस महत्पुरुष उस सदगुरु के चरण रज से सब, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अभी भी हम वहां बैठे, बैठने के बाद देखो लड़ाई हो जाएगी, पहले एक टेबल लगा है, टेबल के बाद ये लगेगा, लेकिन भीतर घुस गए, जब तक धोती पकड़ खींच न दे मेरी, तब तक प्रणाम कैसे हो। देखत ना है मिठाई लवले है लाल पेड़ा, दूरे से प्रणाम करें न दे पेड़ा, जा मत दे माई मत दे, लेकिन जान बख्श दे। और तुम्हें जान का आश्चर्य होगा, मैं सच कहता हूं, मेरी दृष्टि सदा दूर कोने में खड़े किसी के ऊपर रहता है, जो चुपचाप देखता रहता है, मैं उसको देखता रहता हूं और राधा रानी से कहता हूं झोली भर दे उसकी चुपचाप। वो हिम्मत भी नहीं करता, कोई हंगामा नहीं करता, खड़े हैं निर्निमेश नेत्रों से तकते रहते ऐसे। और जाते जाते अगर मैंने एक बार ऐसे कर दिया ऐसे, तो झरझर करके अश्रुपात हो जाते, रोने लगते। पर यहां भी एक अच्छी बात है, आप चाहते हैं कि स्पर्श हो, दरस हो, परस हो, बुरी बात नहीं है, पर ज्यादा अच्छा यह है कि तुलसीदास इसीलिए तो रोते हैं कि मैं तो कहता हूं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, हे ठाकुर जी किसी दिन तुम भी तो ये कह दो कि तुलसी मेरा है। तो जीवन में ऐसा कोई कर्म करो, ऐसा बात बनाओ कि तुम तो कहते हो गुरुजी मेरे हैं, दूर से किसी दिन गुरुजी बैठे हुए कह दें वो जो टकला है ना वो मेरा है, ऐसा वो मेरा है, ये बात बनेगा। और इसके लिए हृदय का प्रेम बहुत है, हृदय का प्रेम बहुत है। बस तो क्या बोलते मेरे गुरुजी, दूर इतना खड़ा है, तुम गुरुजी को देख रहे हो, गुरुजी तुम्हें देख रहे हैं, डाकले तुम्ही काछे ऐसो, जैसे इशारा किया दो मिनट न लगे हाजिर, ना होले दूरे पलाए, देख रहे हैं जब मेरे सरकार को जरूरत होगी, जैसे ही बुलाएंगे बंदा हाजिर है। फिर क्या होगा, अरे तुझे मैं बुलाया तू आया नहीं, एक घंटा से खड़ा थे, दस दस लोग अंदर गए, हमारे बाद में आईला वहू गईला, अब ना आवे।